बकरा ईद के त्योहार में भले ही अभी लगभग 2 महीने का समय बाकी हो, लेकिन बकरा पालन करने वाले पशु पालकों के लिए अभी से उनके व्यापार का सीजन शुरू हो गया है। भोपाल में इन दिनों एक बकरा चर्चा का विषय बन गया है। इस बकरे का नाम किंग है और इसकी बाकायदे लॉन्चिंग की गई है। इसके साथ ही बकरे को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटने लगी है। बकरा के मालिक का दावा है कि यह देश का अब तक का सबसे बड़ा और वजनी बकरा है। भोपाल के एक बकरा पालक सुहेल अहमद ने अपने गोट फार्म में 176 किलो वजनी बकरा पालकर तैयार किया है। उन्होंने बकरे का नाम किंग रखा है, जिसकी ऊंचाई 3 फीट 7 इंच है। किसान ने इसकी कीमत 15 लाख रुपए रखी है। इसे देखने के लिए हर रोज गोट फार्म पर जुटते हैं। 176 किलो वजनी और करीब 4 फीट ऊंचा है किंग। दरअसल भोपाल के आनंदपुरा कोकता निवासी सुहेल अहमद का इब्राहिम गोट फार्म के नाम से गोट फार्म है। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। अंसार अहमद खान। किस तरह पसंद किया बकरा, फिर आपने कहां से आकर? मैं तो मुंबई से आया हूं भोपाल। भोपाल में देखते देखते तो सोहेल भाई के पास में बकरा मिला, तो पसंद किया, तो फिर इनसे मैंने लिया, परचेस किया मैंने। ईद को तो अभी टाइम है और अभी से आपने बकरा ले लिया है? जी जी, अभी से ले लिया, पसंद आया तो इसलिए ले लिया अभी से ही। गाड़ी में लेके जाएंगे, किस तरह जाते हैं गाड़ी में। सर आपका नाम बताइए। शब्बू भाई जी। आपका नाम बताइए। शब्बू। शब्बू जी बताइए, किस तरह इसके साथ मेहनत की जाती है, क्या क्या खिलाया जाता है? उसको जो है, इसकी रोज की रूटीन ये है कि सुबह में ये दूध पीता है 2 लीटर, फिर उसको शाम में अपन दाना खिलाते हैं चना, उसके बाद इसको पत्ती लगाते हैं, फिर इसके बाद रात में फिर इसे दूध पिलाते हैं शहद और पिन खजूर के साथ। आप अकेले संभाल लेते हैं जी? इसके साथ 24 घंटे रहना पड़ता? नहीं नहीं, बस 4 घंटे। भाई कूलर लगाए जाते हैं जी। इससे पहले भी आपने कई बकरे बनाए? जी। ये पहला बकरा? नहीं, ये तीसरा बकरा है। ये शौक है आपको या जॉब करते हैं? नहीं, शौक है। भाई ये बकरे को एक साल पूरी मेहनत लगी हुई है, और हमारे जो कि शब्बू भाई हैं, इनने बकरा तैयार किया है, और इसमें बहुत मेहनत लगती है बकरा तैयार करने में और इस इतने वजन लाने में, क्योंकि अभी तक तो ये सबसे बड़ा बकरा है इंडिया का। इसका वेट कितना है? 170+ वेट होगा और 43 हाइट होगी। नस्ल का है ये? राजस्थानी कोटा नस्ल का। ये कहाँ के लिए? किस ये एक्चुअली कंप्लीट हो चुका है और ये हमारे अभी यहीं रहेगा, मगर हमारे बंसार भाई इनको हमने बेच दिया है, तो ये बॉम्बे जाएगा, मगर अभी नहीं, 2 महीने और मेरे पास रहेगा, फिर ये बॉम्बे जाएगा। क्या स्पेशल डाइट वगैरह? हाँ, इसको तो डाइट में सिर्फ चना और आपका गेहूँ और मक्का और बाकी जो अलग की अलग सी डाइट होती है, शहद दिया जाता है उसको, मिल्क दिया जाता है, साथ में खजूर दी जाती हैं, बाकी जो डॉक्टर बताते हैं टॉनिक दिए जाते हैं और कैल्शियम दिए जाते हैं। हर 3 महीने में वैक्सीन होती है बकरे की। गर्मी में किस तरह इसको? गर्मी में आप कूलर लगे रहते हैं, 2 कूलर हैं, पंखा है, एग्जॉस्ट लगा रहता है। आप इस तरह के बकरे कितने सालों से बनाते आ रहे हैं? मेरे पास हमेशा पहले एंटिक पालता हूँ, एंटिक में मतलब बहुत यूनिक जो कि भोपाल में नहीं मिलते हैं, वो ये मेरा फर्स्ट टाइम बकरा है जो कि मैंने इस बार तैयार करा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।